Hello everyone. Today I discuss the syllabus of History of Punjab University Chandigarh for the BA first year students of semester 1. The examination held on 2020 2021. These are new slavers. We discuss the syllabus of the student of semester first year. BA first year for the semester first. This is the syllabus of History for the semester 1 students. दे द सलेबस हैज़ बिन डिवाइड टू फोर यूनिट्स में डिवाइड होएगा जो फर्स्ट क्वेश्चन होएगा वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे फिफ्टीन जिसमें से हमने नाइन क्वेश्चन करने हैं और ट्वेंटी फाइव टू थर्टी वर्ड्स में करने हैं और जो नाइन क्वेश्चन होंगे जो हम अटैम्प्ट करेंगे फिफ्टीन में से नाइन करने हैं और नाइन क्वेश्चन टू मार्क्स के ये एटीन मार्क्स का हो जाएगा ठीक है ईच और जो ईच यूनिट जो दूसरी यूनिट्स आएंगी ये कंपल्सरी क्वेश्चन है अगेन ईच यूनिट शैल हैव टू ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें से इंटरनल चॉइस होगी हमने एक एक क्वेश्चन करना होगा और ईच यूनिट एंड हैंड फोर क्वेश्चन इन ऑल होंगे जो एटीन मार्क्स के होंगे ये तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी हो गया नाइन इंटू टू पंद्रह में से नौ करने होंगे अठारह और जो चार यूनिट आएंगी नीचे वाली फर्स्ट यूनिट में सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट में हमने उनमें से एक एक क्वेश्चन करना है वो एक एक क्वेश्चन कितने का अठारह तो अट्ठारह इंटू फोर हो गया ना ये अठारह इंटू फोर डिवाइड हो जाएगा और वो देखो यहाँ कह रहे हैं कि जो इंटरनल असेसमेंट जो हम बात करते हैं ना कि टेन टेन मार्क्स की है जो प्राइवेट कैंडिडेट होगी उनकी इंटरनल असेसमेंट कैसे एक्सेस होएगी जो उनकी परफॉर्मेंस होएगी उनके पेपर में क्योंकि उनके कॉलेज वाले तो मार्क्स लगा के भेजेंगे नहीं और जो क्वेश्चन यूनिट फोर होएगी वो कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा यूनिट फोर जो होएगी वो आएगी मैप पे होएगी मैप जो टेन मार्क्स का मैप आएगा फाइव जैसे फाइव प्लेसेस कह दी पढ़ने को हमें और टू टू मार्क्स की होगी वो प्लेसेस मैप में और जो उसके प्लेसेस में से चार प्लेस की हमने एक्सप्लेनेटरी नोट भी लिखने आएगा जो टू मार्क्स का आएगा देखो ना यहाँ लिखा है एंड राइट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन एनी फोर ऑफ टू मार्क्स ईच तो मैक्सिमम हंड्रेड मार्क्स का पेपर थ्योरी नाइन्टी इंटरनल असेसमेंट टेन मार्क्स और टाइम कितना अलॉट थ्री आवर्स का टाइम अलॉट है जैसे ये जो यूनिट वन है यूनिट टू है यूनिट थ्री और यूनिट फोर है इन सब में से फर्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो कंपलसरी क्वेश्चन है जो पंद्रह शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे दो दो नंबर वाले जिसमें से हमने नाइन क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं टू टू मार्क्स के ट्वेंटी फाइव तो टू थर्टी वर्ड्स में तो कितने बनेगा नाइन टू जै एटीन और फिर उसके बाद ये यूनिट्स डिवाइड है इनमें से एक एक क्वेश्चन करना जैसे फर्स्ट जो है टॉपिक वो है मेजर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री लिटरेरी सोर्सेज कहे गए हैं जिसमें इंडिजीनियस लिटरेचर है लिटरेरी सोर्सेज में उसके बाद आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है एक ये क्वेश्चन एक टॉपिक ये हो गया दूसरा हरप्पन सिविलाइजेशन एक्सटेंड टाउन प्लानिंग सोशल रिलीजियस लाइफ या मैं अपनी एस वाली सीरीज में भी हमने ये टॉपिक कवर करा है हरप्पन सिविलाइजेशन का उसके बाद है लाइफ इन वैदिक एज में पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल रिलीजियस ये भी टॉपिक हमने कवर करा है आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं तो हमें ऐसे आ जाएगा या इन दो पे क्वेश्चन आ गया या इन दो पे आ गया या इन दोनों में से आ गया तो हमने क्या अटैम्प्ट करना है एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमने उनमें से कोई एक अटैम्प्ट करना है यूनिट वन में से वो एटीन मार्क्स का होगा क्वेश्चन ये नहीं कि दोनों ने अटैम्प्ट करना है एक अटैम्प्ट करना होता है यूनिट टू होती है जो हमारी उसमें रिपब्लिक्स एंड किंगडम टॉपिक है महाजनपद एंड राइज ऑफ मगध जैनिज्म और बुद्धिज़म है दूसरा टॉपिक इसमें आ जाएगा लाइफ टीचिंग ऑफ महावीर भगवान जी लाइफ एंड टीचिंग और गौतम बुद्ध सिक्स टॉपिक जो हमारा वो है द मोरियन अम्पायर सेंट्रल एंड प्रोविंशियल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू जुडिशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अशोक धाम तो या क्वेश्चन इनमें से इनमें से आ जाएगा या इनमें से इनमें से आ जाएगा या इन दोनों में से आ सकते हैं नीचे वाले दोनों में से ही आ सकता है ठीक है तो हमने क्या अटैम्प्ट करना है हमने कोई एक अटैम्प्ट करना कोई भी क्वेश्चन आए ये नहीं कि बच्चे दोनों करने लग जाते हैं ऐसा नहीं एक के मार्क्स मिलते हैं यूनिट थ्री में से भी ऐसी होएगा जैसे पोस्ट मॉरियन पीरियड है डिक्लाइन ऑफ मौरियाज एंड कनिश्कैनिज अचीवमेंट्स एथ टॉपिक है द गुप्ता एम्पायर राइज ऑफ गुप्ताज एंड सोशल इकोनॉमिक कल्चर एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट अंडर द गुप्ता जो यूनिट थ्री है उसमें है सेवन टॉपिक जैसे पोस्ट मॉरियन पीरियड डिक्लाइन ऑफ मौरियाज एंड कनिश्कैनिज अचीवमेंट्स एट टॉपिक जैसे हो गया गुप्ता एम्पायर द राइज़ ऑफ गुप्ता सोशल इकोनॉमिक कल्चर साइंटिफिक डेवलपमेंट अंडर द गुप्ताज क्या हुई थी द राइज़ ऑफ सदरन किंगडम एडमिनिस्ट्रेशन अंडर पालवाज ये जो है राष्ट्र सॉरी अगर प्रोनाशिएशन रॉन्ग हो गई होंगी हो चालुक्यास ठीक है तो इनमें से हमने ऐसे अगर इन दोनों में आ गया या किसी तीन में से दो टॉपिक पे आएगा तो हमें इंटरनल चॉइस है हमने कोई एक ही करना है इसमें से भी और जो फोर्थ है वो एक टॉपिक हमारा किस पर होता है क्वेश्चन पर होते पर जो कंपलसरी क्वेश्चन है मैप का वो आता ही आता है तो बच्चे मैप का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते मैप स्कोरिंग होता है हम थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें मार्क्स कम मिलने के चांसेस होते हैं पर मैप में अगर हम प्लेसेस सही भरेंगे और एक्सप्लेनेटरी नोट भी सही लिखेंगे तो मैक्सिमम हमारे को सबसे ज़्यादा मार्क्स मैप के क्वेश्चन में मिल जाते हैं जैसे फोर्थ यूनिट में रीजनल किंगडम्स इन नॉर्थ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर हर्षवर्धन ओरिजिन ऑफ राजपूत साउथ इंडियन स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन चोलास टैक्सेशन एंड ट्रेड अंडर पांड्या ये तो टॉपिक हो गए इनमें एक क्वेश्चन तो मैप पे आया ही आएगा इन दोनों में से एक पे आ गया इन दोनों में से एक पे आ जाएगा और एक मैप तो आएगा ही आएगा तो ये कंपलसरी क्वेश्चन है ये हमें पता ही होता है ये आता ही आता ही है ठीक है मैप में जैसे हिस्टोरिकल प्लेस हो गए प्लेस हो गए अजंता ये सारी एलोरा हरप्पा ये सारी प्लेसिस होगी एक्सटेंट ऑफ रप्पन सिविलाइजेशन मॉडर्न किंगडम अशोका इन सब का पे मैप क्वेश्चन है ये मैप पे ये चीज़ें पूछी जाएंगी ठीक है और इसके बाद इस पे से ही इन कोई प्लेसेस पे से एक्सप्लेनेटरी नोट मांग लेंगे वो और मैप का ऐसे मैप आएगा एग्जाम में प्रैक्टिक प्रैक्टिस मैम ऐसा मैप आएगा इंडिया का मैप तो देखो ना यहाँ तक होता है ये हमारा प्री पार्टीशन इंडिया की बात कर रहे हैं ठीक है ऐसा मैप आएगा जो एग्ज़ाम में आएगा ओके तो आज हमने डिस्कस करा सिलेबस फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट For the session of 2020 2021 of history. Thank you very much.